गाइस, दिस इज आसिफ बट फिटनेस ट्रेनर। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं जी अपना पहला इंटरव्यू जो है वो बरे सगीर के मारूफ म्यूजिशियन सहर अली बग्गा साहब के साथ करूंगा, जो कि मेरे दिल के बड़े करीब हैं और मेरे इंतहाई चहीते और इंतहाई एक्टिव एथलीट हैं मेरे। तो आज हम जो हैं सहर अली बग्गा साहब के साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। सर वालेकुम सलाम। सर बड़ी खुशी हुई है आपको इस रूप में भी देख के। हाँ जी, क्योंकि ये हमारा काम है, आपने भी शुरू किया है। हाँ जी, तो माशाल्लाह आप अपने काम में तो नंबर वन है और इसमें भी आप नंबर वन हो जाने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जितने आप मेहनती इंसान हैं, आप जिस काम को पकड़ते हैं आप उसको आगे निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ बैठ के, आपके साथ बात करके, और मैं हमेशा आपसे बड़ी खुशी वाली उम्मीद रखता हूँ। आपने हमेशा खुशी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जब भी मैं कभी मायूस हूँ कि यार मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी शूट आ रही है, कुछ हो रहा है, उसी वक्त आपने फिर इतना मुझे टाइम दिया है, और मैं आपका शुक्रगुजार सबसे ज़्यादा इसलिए हूँ कि आप किसी के घर जाके ट्रेनिंग करवाते नहीं हैं। बड़ी मुश्किल बात है, पर मैं आपको उठा के आता हूँ। हाँ, नहीं, जब भी कोई बड़ी असाइनमेंट हो तो हम जो है वो साहिर भाई के साथ बिल्कुल उनके शाना बशाना खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिम ही हूँ, बाकी ये होता है क्योंकि ये इनको कोई हमारे अलावा इनको कोई हैंडल कर ही नहीं सकता। ये बड़े बड़े एटीट्यूड और बड़े जो है ना वो एक खास तबीयत के मालिक हैं, और हमारा इनसे खास प्यार है। जैसे आपको पता होता है कि एक टाइम पे स्टूडियो में काम ज्यादा जब होता है, फिर साथ शूट भी चल रहे होते हैं, तो फिर आना जाना टाइम जो है ना वो एक बड़ा आपको वेस्ट करता है। तो इसलिए हमेशा मैं आपको, जब भी मैंने आपको बताया कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ तो उसको हल करें, तो फिर आप कहते होते हैं कि जी मैं आ जाता हूँ। हाँ, नहीं तो मोस्टली ये हमारे पास आते हैं जी। नहीं हाँ। तो मोस्टली ये हमारे पास आते हैं और जो है वो हम इनको जो है वो फिर बड़ी बेहतरीन ट्रेनिंग कराते हैं, और फिर जो है वो हमारा जो क्लब है सुख चंद वेलनेस क्लब, उसमें जो है फिर लोगों को जो पता चलता है कि सहर अली बग्गा साहब जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो फिर बहुत से लोग अंदर आते हैं इनको देखने के लिए। सर एक बड़ी ज़रूरी बात है जो आपके फैंस भी आपसे पूछना चाहते हैं। मैं भी आपका फ़ैन हूँ और मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो जो आप माशाल्लाह इतना वेट खुद उठा लेते हैं, ये पावर लिफ्टर और जो बॉडी बिल्डर है, ये क्या फ़र्क है इन चीज़ों में, मुझे ये बताएं ज़रा। जो मतलब आप पावर लिफ्टर हैं या बॉडी बिल्डर हैं, आप क्या है? सर भाई, मैं कभी भी पावर लिफ्टर नहीं रहा, मैं कभी भी बॉडी बिल्डर नहीं रहा, गो कि मैं पाकिस्तान वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का एट द मोमेंट, लेकिन मैं कभी भी जो है वो सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स में नहीं रहा। मैं रहा हूँ वुशू का प्लेयर। वुशू इज़ द वर्ल्ड्स अल्टीमेट फुल बॉडी कॉन्टैक्ट फाइटिंग, ठीक है। वो खुद एक इतनी बड़ी फोर्स है, वो खुद एक इतनी फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है कि उसको करने वाला बंदा जो है ना उसको फिर दुनिया में किसी और हेल्प की जरूरत नहीं रहती, जिसके अंदर स्ट्रेंथ भी है, कंडीशनिंग भी है, पावर भी है, जाहिर है एक रिंग फाइट है उसमें आपने जीतना है, और है भी फुल बॉडी कॉन्टैक्ट। रिंग फाइट्स भी की आपने? जी जी, सारी जिंदगी जो है बेसिकली मैं 14 साल जी पाकिस्तान का चैंपियन रहा हूँ। अच्छा, वुशू मार्शल आर्ट्स को मारते थे? जी जी, जाहिर बात है वो इट्स ऑल अबाउट फाइटिंग। तो आप इतने प्यारे, इतने मासूम दिल के लोग हैं, आप कैसे मार सकते हैं किसी को? बट सर मैं नहीं मानता। सर भाई, वो कहते ना कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, ठीक है। तो जब आप रिंग में आ जाते हैं फिर उसमें कोई भाई नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, इट्स ऑल अबाउट विनिंग। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये जो ये जो स्ट्रेंथ जो है, ये मेरा मेन फोर्ट है, मेरा मेन फोर्ट स्ट्रेंथ है। मैं कहता हूँ कि मेरी पर्सनल सेइंग है जो मैंने खुद बनाई है, वो है कि स्ट्रेंथ इज लाइक अ किंग, फिटनेस इज लाइक अ क्वीन, एंड एंड्योरेंस इज लाइक अ किंगडम। वेरी गुड। अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, तो ये इट्स अ गॉड गिफ्टेड। ऐसे कमाल थॉट्स हैं आपके सर। मैं एक और चीज़ आपसे, असल में बात है कि हमने ऐसी ना, हमने कहा यार स्टूडियो में बैठे हुए आज कर रहे हैं, चले बहुत ने यूट्यूब चैनल अपना, मैंने इनको थोड़ा सा पुश किया जी, कि बना पड़ा है, आप क्यों नहीं इसको यूज कर रहे हैं, इसको बनाए। बेशक, मतलब बड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके, जो आपसे जो लोग सीखना चाहते हैं, ये एक सदका जा रही है अभी आपसे, जिनको आपके चैनल से को पे आके जो आपसे कोई एक बात को ऐसी पता चल जाए जिसकी, जिससे उसकी जिंदगी सफल जाए, इससे बड़ी चीज क्या कोई नहीं जी, अच्छी बात। मैं तो ये इस प्लेटफॉर्म को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें रोज जो है ना किसी से पूछने से, कोई बताता नहीं है किसी के पास, आप ऐसे किसी को मिलकर पूछा नहीं बताते लोग ना, तो डॉक्टर्स, फिटनेस ट्रेनर्स, हमारे म्यूजिक के हिसाब से
ऐसे ऐसे वीडियोस पड़े होते हैं कि आपको जो चीज समझ नहीं आ रही, आप एक्सपीरियंस देखते हैं लोगों का, तो जी जी साहिर भाई बिल्कुल, मेरा भी जो इरादा है वो ये ना, जितनी भी मिसकंसेप्शंस हैं एक्सरसाइज के हवाले से, ठीक है, जो कुछ लोग मिसगाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग जो है वो जिम्स में जाते हैं और उनको फिर ट्रेनर्स का मुंह देखना पड़ता है, ट्रेनर्स भी बिजी होते हैं, बाज़ दफ़ा ट्रेनर लिफ्ट भी नहीं कराते और बाज़ दफ़ा उनका स्केड्यूल इतना टफ होता है वो बता नहीं पाते, तो लोग जो है ना वो इनिशियली जो है ना वो डिसार्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली मेरा जो चैनल है वो एडवांस लोगों से के अलावा ये इट्स अ मोर अबाउट बेसिक्स, कि जब आप जिम में जाते हैं, जिम में जाएंगे तो आपने क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है और आपका रवैया क्या होना चाहिए, ठीक है, आपको कौन से बेसिक फंडामेंटल जो है वो आपको आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि असल मसला ये होता है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत होती है। एक और चीज मैंने आपसे पूछनी है, हालांकि हम इंटरव्यू आपने मेरा थोड़ा करना सर, लेकिन मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ सर। अच्छा आप कर रहे हैं सर, आप आया तो मैं सर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो पता करना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसे हो गया, आप मेरे से क्या पूछेंगे म्यूजिक का, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं तो खुद आपका स्टूडेंट हूँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ आपसे बड़ी चीज है, और इसी तरह बाकी जो लोग हैं वो भी पूछना चाहेंगे, जिनमें मेरे फैंस भी आएंगे, मेरे कुछ दोस्त आएंगे, बड़े बड़े लोग होंगे बेशक। अच्छा एक हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, मैं जो बड़ी खुशी उनको देख के ना, उन्होंने बड़ी मेहनत किया, उनका नाम है सना, एक्ट्रेस जो है सना फखर जी हाँ बिल्कुल, तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनको देख के कि माशाल्लाह हमने उनको देखा हुआ है मतलब, तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि जितना उन्होंने काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में, इतना माशाल्लाह उन्होंने नाम किया, जितना उन्होंने टाइम दिया है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनको उन्होंने इतनी मेहनत करके आज वो फिर एक लड़की की तरह लगती हैं। हाँ जी, उसकी सना फखर जो है शी इज अनस्टॉपेबल टैलेंट। अच्छा माशाल्लाह। यस, शी इज फ्यूरियस, शी इज फाइटर माशाल्लाह। हाँ, और वो इतनी टैलेंटेड है, वो इतनी अच्छी सोल की मालिक है, वो इतनी अच्छी रूह है, वो इतनी जबरदस्त फीमेल है, वो बेहतरीन बेहतरीन मदर है, वो बेहतरीन वाइफ है, वो बेहतरीन स्टूडेंट है, जो सबसे बड़ी बात है उस, वो इतना अदब, वो इतना एहतराम करती है, यही वजह है कि जब आप किसी उस्ताद का हद से ज़्यादा एहतराम करते हैं, उसको उसका जो है वो उसको उसके मुताबिक जो है उसको उसकी इज्जत देते हैं, तो वो फिर आपको बेपनाह जो है वो आपको डिलीवर करता है। तो सना फखर जो है, देखें सना को जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है साहिर भाई कि वो साउथ एशिया की वाहिद सेलिब्रिटी है जिसके 6-pack एब्स हैं माशाल्लाह, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, पूरे बॉलीवुड में भी कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिसके 6-pack एब्स होंगे। ये भी बताएं कि औरत के लिए, मर्द की नस्बत औरत के लिए ज्यादा मुश्किल होता है एब्स बनाना? बहुत मुश्किल होता है जी, औरत के अंदर जो ना फैट का कंटेंट ज्यादा होता है। अच्छा, तो वो ये बहुत ही हार्ड कोर ट्रेनिंग करने वाली है माशाल्लाह। सना क्लैप्स हो रही है, नो डाउट, हाईली अप्रिशिएटेड, बिकॉज सना जो है वो सारा सारे कई दो दो तीन तीन दिन जो है वो जागती है, उसके बावजूद वो सुबह जब लाहौर में होती है मेरे पास वर्कआउट करने के लिए आती है, और मैं जो वर्कआउट में उसकी जान निकालता हूँ और जो वर्कआउट में उसके साथ होता है, ये उसी का काम है जो हमारे जैसे ट्रेनर की ट्रेनिंग झेल लेती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी आपकी ट्रेनिंग माशाल्लाह हैवी हार्ड और बड़ी प्लान ट्रेनिंग होती है जी, पर्सन टू पर्सन जो है जी, वेरी गुड, पर्सन टू पर्सन ऐसा ही है। अब साहिर भाई हैं, साहिर भाई की ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल उनके मिजाज और उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक है, उनके काम के मुताबिक है, इन्होंने गाना गाना होता है जी। मुझे सबसे ज्यादा मसला जो होता है वो ये होता है कि आपके हमारे जो लंग्स हैं वो बड़े पावरफुल होने चाहिए, आवाज निकलनी होती है। मैं वैसे भी गाने जितने हाई नोट्स पे मैं गाता हूँ गाने, हालांकि मेरे दो टोन जो है ना वोकल के कुछ ऐसे जो बहुत जरूरी होते हैं मेरे लिए, जब मैं रोमांटिक सॉन्ग या कोई सैड सॉन्ग गाता हूँ तो मेरे वोकल थोड़ा सा नीचे रख के मैं गाता हूँ अपनी वोकल ना, और जब मेरा कोई नेशनल सॉन्ग हो या मेरा कोई कमर्शियल गाना हो, जैसे मैं डांसिंग गाने बनाता हूँ उस तरह के जिसमें फोक टच भी होता है हमारा, तो फोक टच में हाई नोट जो है ना वो बड़ा क्रॉस करना बड़ा जरूरी है, एक लिमिट उसकी जो होती है, तो वो जब अब तक पीक आप पकड़ते हैं वोकल के साथ फिर ही आता है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं कभी भी मुझे एक्स्ट्रा जोर ना लगे मेरी वोकल पे, मेरा खुद ही जाए गला ऊपर, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इन चीज़ों का भी इनको पता है जी हाँ, कि एक तो आपकी फिटनेस जो है, मसल्स क्या होते हैं, एब्स क्या होते हैं, आपकी सांस पक्का करना क्या होता है, टोन जो बनती ना हमारे सिंगर्स की हमारे लिए, हालांकि हमें कहा गया कि आप लोहा नहीं उठाना क्योंकि हम लोहा उठाएंगे हमारे गले में खराश आ जाएगी ना, तो ये कर करके ना बंदा जोर लगाता है तो गले में खराश आ जाती है आपके, तो आपका वोकल उस तरह रहता नहीं है। तो इस चीज़ को भी समझना, मैं समझता हूँ कि बहुत दुनिया में कम ट्रेनर्स ऐसे होंगे
जिनको इस बात का भी पता होगा कि एक बंदे का काम गले का है, बिल्कुल उसका गला खराब नहीं करना बल्कि ये स्ट्रांग होता है जी। हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज के तरीके कार हैं, वो बॉडी पार्ट से हटके जो हम आपको कुछ स्पीच थेरेपी की एक्सरसाइजेस कराते हैं, उससे जो है ना ये आपका सारा जो है वो सारा मसल जो है स्ट्रांग होते हैं, आपका लाउड ऊपर जाता है। और आपने देखा है माशाल्लाह आपका कितना हाई लाउड का करवाया मुझे, मेरा तो मैंने जब पाकिस्तान जिंदाबाद रिकॉर्ड किया था मुझे याद है, उससे पहले मैं बिल्कुल आपके पास था तो आपने मेरे से ऐसी एक्सरसाइज करवाई है, इतना अच्छा लाउड है वो वहां पे जाता है, मतलब आम बंदा हैरान होता है कि वो कैसे गाना गा लिया इतना हैवी किस्म का। बल्कि वो उसको मैं सॉरी गाना नहीं कहूंगा जी, वो एक कौमी तराने की हैसियत अख्तियार कर चुका है, दिल दिल की आवाज बिल्कुल वो एक कौमी तराना है। वो आप देखेंगे पाकिस्तान का जहां जहां नाम लिया जाता है, कभी हमारा कोई त्यौहार हो कोई दिन हो तो सार अली बका के जो सॉन्ग है वो इवन पूरी दुनिया में जो है वो हर जगह पे जो है वो सुने जाते हैं। सही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है जी, आपकी मेहरबानी, आप प्यार करते हैं, आप इतना ख्याल रखते हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी हमारी लाइफ में एक माँ की हैसियत है, उसके साथ डॉक्टर की हैसियत एक होती है जो आपको संभालता है। मैं समझता हूँ आपकी फिटनेस ट्रेनर की भी कोई उससे कम नहीं है, मैं यही समझता हूँ, मैं यही आपके अल्फाज बोल सकता हूँ कि जो माँ की, माँ बाप की और जो डॉक्टर्स आपके लिए आपकी जिंदगी के लिए जो एहसास कर सकते हैं, मैं समझता हूँ फिटनेस ट्रेनर अगर अपनी जॉब पूरी जैसे आप करते हैं ऐसे करें, जैसे माँ बाप का प्यार हो या डॉक्टर्स का आपके साथ जो अपने मरीज के साथ प्यार होता है उसको सही करने में, जितना मैं समझता हूँ कि ये वही चीज़ है जो आसिफ भट्ट साहब हमें देखें प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, साहिर भाई जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि साहिर भाई जो है ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़े सगीर का बहुत बड़ा नाम है, इनसे इस वक्त इनका इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही सिंगर की डिमांड है जिनको पूरी मतलब कि सरदों के पार सुना जाता है, वो सारे लिए बका है। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, हम आपको बहुत जल्द इनकी एक्सरसाइज भी दिखाएंगे जो हम अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे, आप हैरान होंगे कि ये कितने टफ रजीम है इनका एक्सरसाइज का, आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे आई एम श्योर। और साहिर भाई जो है ये बस थोड़ा सा ये है कि ये खुश खुराक हैं और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन खाना जो है वो इनके घर में पकता है, मैंने भी बहुत बार खाया है, खास तौर पे इनके जो वाले साहब हैं वो जो है ना प्याज गोश्त का एक डिश है वो बहुत ही लजीज पकाते हैं कि जो पाकिस्तान में लोग ख्वाहिश करके जो है ना वो रिक्वेस्ट करके साहिर भाई के घर आते हैं, तो वो कभी इनके अबू मूड में हो मेरे लिए तो अपने हाथों से बना देते हैं, इतना मुश्किल एक्सरसाइज करना और अपने आप को, क्या कभी देखते हैं मुझे लोग, कभी मैं कभी किसी वीडियो में मोटा आ जाता हूँ, कभी किसी वीडियो में ठीक हो जाता हूँ, कुछ हो जाता हूँ, मेरी अजीब सी फिजीक है, कभी ऊपर नीचे जाता रहता हूँ, तो हालांकि ये मुझे बहुत डांट से भी हैं कि मैं अगर ओवर डाइट करता हूँ कि जब मुझे पता हो मेरा वीडियो हो तो मैं बिल्कुल पानी तक नहीं पीता, पर ये झूठ नहीं बोलते मेरे साथ। हाँ, लेकिन मैं इनको बता देता हूँ कि अब ये हो गया, मुझे करना पड़ना था क्योंकि मेरे डायरेक्टर की स्टोरी की ये डिमांड है या मेरे कॉन्सेप्ट है, तो मुझे ऐसे लगना है किसी तरीके से, या किसी ब्रांड के कपड़े पहनने हैं तो वो पूरे नहीं आ रहे, तो उसके लिए मुझे फिर कुछ 10-15-12 दिन मुझे बिल्कुल जीरो पे जाना पड़ता, तो जो मैं इनको बताता नहीं हूँ पहले क्योंकि ये डांटेंगे मुझे, इसलिए मैं इनका जो तरीका है वो है कि यार लॉन्ग टाइम, अब होता ये है कि मैं खा लेता हूँ, मतलब मैं छोड़ देता हूँ खाना, 15 दिन छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, काम भी निकल गया, ऐसे कम हो गया, उसके बाद जब काम निकला उसके बाद फिर मैं खाता हूँ 4 दिन, तो 15 दिन का जो नीचे गया होता ना वो 2 दिन में ऊपर आया था, तो ये कहते हैं कि ये गलत है, इसका फायदा क्या, या तो फिर अगर 15 दिन में इतना किया तो 2 दिन में फिर वापस आ गया, तो इसलिए इनका जो एक तरीका है वो बड़ा बहुत अच्छा है कि आप जैसे जैसे आप कम हो रहे होते हैं आप साथ खा भी रहे होते हैं खाना, और आप बिल्कुल वीक भी नहीं होते हैं, मतलब कैलोरी को बिल्कुल मैनेज करते हैं कि कितनी चाहिए कैलोरी, कितनी आज खानी है, कि जिससे अब मेरा प्रॉब्लम एक सबसे बड़ा ये भी है कि मेरा सोचने का बहुत काम है, मैं लिखता भी हूँ, मैं कंपोज भी करना होता है मुझे, उसके बाद मुझे गाना भी होता है, तो मैं जब बहुत डाइट कर लूँ मेरी एनर्जी चली जाती है, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लूँ मेरी एनर्जी बिल्कुल चली जाती है, मेरे में बिल्कुल वो हिम्मत नहीं रहती कि मैं क्या सोचूं, क्या मुझे लाइन आए, मैं क्या उस पर क्या बनाऊं, या मैं क्या अब क्या क्या गाऊं मैं, तो व्हाट्सएप का एक बड़ा अच्छा, मैं काफ़ी ट्रेनर्स के साथ मैंने किया, मैंने ट्राई सारा कुछ करने को, लेकिन इनके साथ मुझे थोड़ा सा ये मुझे कम्फर्टेबल मैं हुआ हूँ इस वजह से कि इन्होंने जो चीज़ों को मैनेज किया ना बड़ा कैलकुलेटेड किया है, तो वो मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो रहा हूँ और मैं खाना भी खा रहा हूँ और मुझे खाना चाहिए, मैं रोटी नहीं खाता, मुझे कुछ भी नहीं आमद होती, मैं ये सब सही वाली बात है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि खाना पीना जो एक बहुत बड़ी जो है स्ट्रेंथ है, तो आपका ये वाला जो सीन है ना बड़ा अच्छा चले। आखिर में मैं ये कहता जाऊँ फिर आपको कि ये आसिफ भट्ट साहब का जो चैनल है ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए और बहुत सारी आपकी सेहत के लिए ये समझने के चैनल बनाया गया है, इन्होंने बनाया,
तो मैं इसका स्टार्ट इसलिए कर रहा था, मैंने इनको रिक्वेस्ट की, हालांकि पाकिस्तान के जितने इतने बड़े एथलीट्स हैं वो सारे इनके स्टूडेंट्स भी हैं, इनके सेलिब्रिटीज हैं जी। सेलिब्रिटीज जो हैं वो सारे इनके दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सर ये जरा थोड़ा सा उल्टा करें, जरूरी नहीं कि आप किसी स्पोर्ट्समैन को लें अपने साथ। तो मैं म्यूजिशियन आदमी, मेरे मुझे देखे हैं सबसे पहले, और हम आपका चैनल स्टार्ट करते हैं नहीं नहीं ये जो है साहिर भाई ने मोटिवेट किया कि व्हाट्सएप जो है ना अब आम लोगों के पास जाने का टाइम आ गया है, मतलब आम लोगों से मुराद ये है कि हर वो बंदा। अच्छा मुझे पता है कैसे ख्याल आया, जी हाँ मैं ट्रैवल पे, मैं रहीम यार खान जा रहा था, मेरा प्रोग्राम था, तो मैं रास्ते में मैं आपको ना चैनल सर्च करता रहा, मैं जो कुछ चीज़ें मैंने कहा मैं सुनता हूँ कि भट्ट साहब क्या क्या बोलते हैं, मुझे कई टाइम भूल जाते चीज़ें, मैंने कहा अपने चैनल पर उन्होंने की होंगी चीज़ें बातें ऐसी। वो एक दिन मैं बैठा तो मैं आपके चैनल ढूंढता रहा ढूंढ रहा था, आपके चैनल थे लेकिन उस पर कॉन्टेंट नहीं था जी हाँ। फिर आगे मैंने आपसे थोड़ा सा मैंने कहा आप क्यों ये किधर है, क्योंकि लोगों की जरूरत है आपकी, मुझे जरूरत है आपकी। नहीं देखें साहिर भाई अब देखें हमने जो ये चैनल शुरू किया है बेसिकली देखें जी, ये मैं अप्रिशिएट करूंगा साहिर भाई के, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना हर बंदे तक लेके जाए, बल्कि इन्होंने मुझे एक बड़ी खास बात की, इन्होंने कहा जी उन लोगों को भी आगाही की जरूरत है जो सुबह के दिन सुबह के टाइम पार्क में जाते हैं ठीक है और गलत एक्सरसाइज करके आ जाते हैं। हाँ। देखिए वॉक ही सब कुछ नहीं है, ये साहिर भाई ने पॉइंट उसने उठाया और मैंने फिर इनसे कहा, मैंने कहा जी देखें एक्सरसाइज और ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो एक हार्मोनी है, एक हार्मोनी जो है वो खाली खाली नहीं, वॉक नहीं है वो, खाली एक्सरसाइज नहीं है वो, पूरा जो है ना वो दो चार चीजों का मुरक्कब है। ऐसे ही आप इंशाल्लाह ताला इनके नेक्स्ट शोज में जब ये आपको टिप्स देंगे बड़ी बड़ी अच्छी आपकी सेहत के मुताबिक, तो वो मैं इसलिए आज चैनल पे आया हूँ कि अपने और दोस्तों के साथ भी करेंगे, स्पोर्ट्समैन जो इनके साथ हैं, जो एथलीट्स हैं, जो जिनके साथ इनकी फील्ड के जो लोग हैं जिनके साथ इनका बैठना उतना ज़्यादा है, तो आप उनको सुनेंगे, मैं उनको सुनूंगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो इस पहले प्रोग्राम का मतलब यही था कि मैं आपको बता भी दूँ कि मैं इनके स्टूडेंट हूँ और ये मुझे बड़ा अच्छा लेके चलते हैं, मेरे नखरे भी देख लेते हैं और उसके बाद मुझे बर्दाश्त भी कर लेते हैं और फाइटर है, मैं सोचता हूँ मुझे पा ही ना दे कभी इतना, लेकिन तंग भी करता लेकिन सच्ची बात ये है, सच्ची बात ये है कि यकीन करें जो लोग साहिर भाई को नहीं जानते, ये इतने स्वीट आदमी हैं, ये प्रमोटर हैं, ये सच में लोगों को प्रमोट करते हैं ठीक है और दिल से करते हैं, यही वजह है कि ये आज एक जो है ना एक चमकते हुए सितारे हैं पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है, लेकिन इनकी जान ऐसे नहीं छूटेगी जब तक ये जो है ना अभी जो इनका रिसेंट जो गाना है जो सॉन्ग है जो पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो है वैसे वायरल हुआ हुआ है, उनके दो बोल इनसे सुनेंगे और फिर हम बात खत्म करेंगे। ओ तेरी बदनामियां भी जाई वदियां, तेरे नाल अखियां भी लाई वदियां, तेरी बदनामियां भी जाई वदियां, तेरे नाल अखियां भी लाई वदियां, तेरे नाल अखियां भी लाई वदियां। अब नेक्स्ट ये है कि इंशाल्लाह ताला आप चैनल को सब्सक्राइब जब करेंगे उसको उसके बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे और इस चैनल के साथ आप ऐसे देखते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो वो चीज़ें कि जो हम ऑफ द कैमरा आपस में बैठ के बातें करते हैं, मैं इतना कुछ सीखा है इनसे, मैंने कहा लोगों को भी बताया ना, लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, लोग आपका एक्सपीरियंस है इतने साल का तो वो आप शेयर करें लोगों को, जो लोग ऐसे आपस में बहसें करते रहते हैं और आपस में टकरे मारते रहते हैं वो गलत बात है, जिस बंदे का जो काम है जिसको जो पता है उसे सीखें। तो ये जो यूट्यूब चैनल जो व्हाट्सएप का हमने तरले कर करके बनवाया, ये इसलिए बनवाया कि कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी को, हर बंदा जो है ना एक एक्सपर्ट से अपनी राय ले और एक्सपर्ट की राय के साथ चले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं व्हाट्सएप आपको एक नई सेलिब्रिटी के साथ, अपने एथलीट दोस्त किसी के साथ, तो तब तक हमें दीजिए इजाजत और मैं नेक्स्ट फिर आऊंगा इस चैनल पे कभी ना कभी, फिर दोबारा फिर बात करेंगे साहिर भाई से, इनके वीडियोस भी जो है हम जो है इनके बना के लगाएंगे जी इंशाल्लाह, और हम आ रहे हैं आपके पास, आपके घर में जल्दी, आपके डोर पे, आपके रूम में, यस यू जस्ट नीड अ रूम टू ट्रेन विद अस, यस यस।